हेलो नमस्कार, मैं किशोर गौतम, किशोर साउंड और कैबिनेट में आज एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग लेके आए हैं आप सबके सामने में पेंजा ऑडियो। ठीक है, पेंजा ऑडियो का PA ड्राइवर यूनिट है। इसका मॉडल नंबर है PU60XT। आउटपुट पावर दिखा दूँ, ये 60 वाट RMS देता है 100 वोल्ट में। ठीक है, करीबन 2.5 किलो का एक यूनिट है। मैं अभी इसको बजा के चेक करते हैं थोड़ा देर में, पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और कैसे इसको रिपेयरिंग किया जा सकता है इसको डिटेल रूप में आपको समझाया गया है। इसके ऊपर में इसका कितना पेंजा ऑडियो का कितना मॉडल आता है, अभी हम लोग ये मॉडल रिव्यू कर रहे हैं। अभी ये मॉडल हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, देख लीजिए। इसका बाद में नेक्स्ट वीडियो मेरा ये इसमें आएगा, और एक वीडियो आएगा कुछ दिन बाद में, ये मॉडल मैं रिव्यू फिर से करूँगा। ठीक, एक थर्मोकोल मिलता है जो सभी ड्राइवर यूनिट में मिलता है। देखिए पैकेटिंग काफ़ी अच्छी तरह की गई है, पन्नी भी मोटी वाली पन्नी दी गई है। देखिए इसमें 10 वाट 20 वाट 30 वाट 40 वाट 50 वाट और 60 वाट दिया गया है। इसमें आप सभी को मालूम होगा औजा में केवल 40 वाट दिया जाता है, औजा केवल 40 वाट का होता है। ये सेम माल ये 60 वाट के लिए दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये आपको साउंड लॉन्ग थ्रो काफ़ी अच्छा है इसका, समझ गए, 60 वाट के है ना, इसीलिए लॉन्ग थ्रो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसका क्वालिटी अभी कैसा बजाया हम लोग अभी बजा के चेक करते हैं। इसको खोलते हैं, खोलने में सेम है, देखने में सेम, ड्राइवर यूनिट जैसा होता है सभी इसी प्रकार की है। अभी हम लोग इसमें साउंड चेक करके सुनाएंगे आपको, ठीक है। जब भी आप लोग ड्राइवर यूनिट चेक करते हो ना, कभी हॉर्न में बिना डाले माने ट्रम्पेट में बिना डाले चेक करते हो, तो इस तरह से चेक करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। देखिए साउंड क्वालिटी कैसा है ऐसे भी मालूम चल जाता है। अभी हम इसमें हॉर्न में लगा के भी ट्रम्पेट में लगा के भी इसको चेक करते हैं साउंड क्वालिटी कैसे निकलता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, थोड़ा टाइम चाहिए। पहले मैं भी बजा के देखूंगा 1-2 घंटा, इसका क्वालिटी अगर ठीक निकलेगा तो भी वीडियो बनाऊंगा, अगर ठीक क्वालिटी नहीं निकलेगा तो ये आज का वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। अगर ठीक निकल गया आप समझ जाना पेंजा ऑडियो सक्सेस है। आप लोग कभी भी हॉर्न बजाओगे ना, सेटिंग किस तरह से करते हैं मैं आपको थोड़ा देर में दिखा दूं। वॉल्यूम दीजिएगा, वॉल्यूम मोटा मोटी 50% वॉल्यूम दीजिएगा, ठीक है। ऑक्स का वॉल्यूम भी पहले 50% रखना, पहले 50% ऑक्स और मास्टर भी 50% रखना, ठीक है। 40 से 45% बेस रखना, ठीक है, और 50 से 60% तक, 60% या 75% तक भी आप लोग ट्रेबल को रख सकते हो, इससे ऊपर नहीं, मान इस तरह का सेटिंग होगा, देखिए, ठीक है। ट्रेबल को थोड़ा, बेस को थोड़ा कम रखना है और ट्रेबल को थोड़ा बड़ा देना है उस, ये सेटिंग करके, और ये स्विच को आप लोग ड्राइवर यूनिट की तरह रखना है, ड्राइवर यूनिट जहाँ पर है स्विच को उस तरह रखना है, ठीक है। और आपको अब धीरे से वॉल्यूम बढ़ाना है, जब तक रेड लाइट ना जले यहाँ तक आपको जीरो तक माने आप लोग वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, जीरो तक वॉल्यूम बढ़ाइए, उसके बाद में +3 में मत बढ़ाइए। देखिए देखिए अभी देखा ना, यहाँ यहीं तक मुझे वॉल्यूम यहीं तक चाहिए, यहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए, यहाँ तक, ये -3 नहीं 0.0 तक, माने 0 तक वॉल्यूम चाहिए मुझे। देखिए इस तरह बजाया जाता है, ठीक है। अगर इस तरह से बजाओगे, इस तरह से अगर बजाओगे आपका यूनिट कभी नहीं कटेगा और हमेशा साउंड क्वालिटी बने रहेगा। और आपको और इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक भी करो, और सब कुछ क्या बोले भाई, अगर आपको और अच्छा लगा तो भाई शेयर भी कर देना भाई वीडियो को, ठीक है। प्योर देसी मेड इन इंडिया माल है, ठीक है, ये कोई चाइना वाला नहीं है माल, एकदम प्योर मेड इन इंडिया है। देखिए अभी हम लोग 50 मीटर तो पहुंच गए।
देखते ही देखते केवल एक हॉर्न, केवल एक हॉर्न बज रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना क्वालिटी आ रहा है। हम लोग अभी करीबन 100 मीटर तो पार हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है एक हॉर्न करीबन 1000 आदमी क्राउड को संभाल सकता है। एक यूनिट, ड्राइवर यूनिट अगर 60 वॉट में बजे तो वो 1000 यूनिट तक को मेकअप कर सकता है। काफी अच्छी क्वालिटी में बज रहा है, देखिए। साउंड काफी दिया गया है, तब भी साउंड कुछ फट नहीं रहा है, माने साउंड क्वालिटी बज रहा है। Oh, my God.